दोस्तों बुरहानपुर के शाही किले से लेकर तो असीरगढ़ के किले तक बुरहानपुर अपने इतिहास में कई तारीखी इमारतों से भरा हुआ है। 1601 में मुगलों ने बुरहानपुर को और असीरगढ़ को फतेह करने के बाद मुगल शहजादा मोहम्मद शाहजहां का बुरहानपुर से और असीरगढ़ से करीबी ताल्लुक कायम हुआ और इसी दौरान मुगल शहजादा मोहम्मद शाहजहां ने बुरहानपुर में कई इमारतें और महल तामीर किए और उन्हीं में से एक है ये मोती महल, जो कि मोहम्मद शाहजहां ने अपनी प्रेमिका मोती बेगम के लिए बनाया था। लेकिन आज मोहब्बत की दास्तान सुनाता हुआ ये मोती महल कुछ अकेला पड़ चुका है। मुगल बादशाह मोहम्मद शाहजहां ने अपनी प्रेमिका मोती बेगम के लिए असीरगढ़ से 4 किलोमीटर दूर पोंढारी नदी के किनारे ये मोती महल की तामीर की थी। ये मोती महल 3 मंजिला है, जिसकी नीचे की मंजिल पत्थरों की तो ऊपर की 2 मंजिलें ईंट और चूने की बनी है। इस मोती महल में कई झरोके और कई मेहराब हैं। वो आलम भी क्या आलम होगा जब इन मेहराबों में शमाएं जलाए जाते होंगे। शहरों की भीड़ से दूर ये मोती महल सुकून और तन्हाई पसंद लोगों के लिए उम्दा मकाम है। दोस्तों असीरगढ़ का किला यहाँ से साफ नज़र आता है और ऐसा कहा जाता है कि मोती बेगम ये झरोके में बैठ के शाहजहां का घंटों इंतज़ार किया करती थी। जंगलों के बीचों बीच बना यह खूबसूरत और तारीखी मोती महल अपने अतीत के किस्से बड़े लगाव से सुनाता है। दोस्तों ऐसे ही हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को एक्सप्लोर करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।